नमस्कार साथियों, बच्चों जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था कि बीएचयू की एंट्रेंस एग्जाम की डेट कब आएगी, तो ये कल यानी कि 19 सितंबर को जो है डेट का शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है एनटीए के द्वारा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है, जो आईसीएआर की पीजी यूजी एग्जाम को कंडक्ट करती है, एसआरएफ की एग्जाम को कंडक्ट करती है, यूजीसी नेट के एग्जाम को कंडक्ट करती है, वही आपकी बीएचयू की एग्जाम कंडक्ट कर रही है। कब आपकी एग्जाम होनी है, किस शिफ्ट में एग्जाम होनी है, कोर्स कोड क्या है, टेस्ट कोड क्या है, काफी सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है, सबके बारे में बात करेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो है, छोटे से वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं और साथ में कुछ एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं हमारे कोर्स से रिलेटेड। तो यहां पे हम बात करेंगे कि बनारस जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उन्होंने अपना जो एग्जाम शेड्यूल जो है वो रिलीज कर दिया है। तो इस इंफॉर्मेशन पे जाने से पहले, ये सेशन 2021-22 के लिए है, मतलब सेशन 22 के लिए है ये, मतलब एकेडमिक सेशन 22 के लिए। अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूं, जो बच्चे आईबीपीएस एफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि हम जो कोर्स यहां पे दे रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफओ कोर्स और आईबीपीएस एफओ कोर्स, उसमें वन डे एक दिन का 70% ऑफ हमने रखा है और उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है एपीओसी 70। ये हमारे कोचिंग का शॉर्ट फॉर्म है, एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस। तो एपीओसी 70 आपको यूज करना हो और ये जो ऑफर वैलिड रहेगा कल मतलब 21 सितंबर रात 12 बजे तक। कोर्स के अंदर आप देखो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो कोर्स हमने डिजाइन किया है वो आईबीपीएस एफओ का ही कोर्स है, क्योंकि दोनों का जो एफओ है मतलब आएगा वही जो आईबीपीएस एफओ में है, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है। यहाँ पे पेपर का पेपर यहाँ पे क्या रहेंगे, सिर्फ 50 क्वेश्चन रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज बस यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस है। तो हमने टेस्ट सीरीज जो है वो इस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से डिजाइन किए, 50 क्वेश्चन रखे हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है। तो एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहेगा इसके अंदर, उसी हिसाब से हमने डिजाइन किया है इसको। तो आईबीपीएस एफओ के कोर्स लगभग वही 250 के आसपास आपको पीडीएफ मिलेंगे, 200 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, 45 टेस्ट आपको मिलेंगे। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। तो कोर्स की जो प्राइस हमने इसकी रखी थी 699 रखी थी, ठीक है। अब इसमें आपको 70% ऑफ मिलेगा, तो आप सोच सकते हो कितने कम में आपको ये कोर्स मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज की प्राइस हमने रखी है 399, अब इसमें भी आपको 70% ऑफ मिल जाएगा जब ये कोड यूज करोगे, तो आप सोच सकते हो कितने कम में आपको ये टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। आईबीपीएस एफओ कोर्स, ये कोर्स जो हमने रिलीज किया था, काफी पहले रिलीज किया था, मई में हमने रिलीज किया था, इस कोर्स की प्राइस जो है 999 है। आप ये कोड यूज करोगे तो लगभग आपको 300 में ये कोर्स मिल जाएगा, 70% ऑफ होगा। यही सारी चीजें, बस यहाँ पे टेस्ट जो है 60 क्वेश्चन के बेसिस पे है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहेगी, इच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 75 टेस्ट रहेंगे। और ये जो 75 टेस्ट की आप अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते तो वो भी ले सकते हैं, उसमें सब्जेक्टिव वाइज और ओवरऑल रहेगा, जो सेम यहाँ पे भी है कोर्स के अंदर भी है। तो ये हमारे कोर्सेस हैं, ये कोर्स टेस्ट सीरीज भी आईबीपीएस एफओ की 399 के है, आप एपीओसी कोड यूज करोगे 70 तो आपको 70% ऑफ मिल जाएगा। ध्यान रखना इस बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफओ कोर्स की और टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी 31 मार्च तक हमने रखी थी। 31 मार्च इसलिए रखी क्योंकि जो बच्चे ये कोर्स ले लेंगे फिर आगे जाके आईबीपीएस एफओ का कोर्स उनको लेना पड़ेगा, अगर हम इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक ही रखते हैं तो, इसकी एग्जाम ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर में भी हो जाए, है ना। तो हमने 31 मार्च तक इसलिए रखी बच्चों की आपको दोबारा से कोर्स लेना ना पड़े। अगर आपने ये कोर्स ले लिया है तो आईबीपीएस एफओ का कोर्स मत लीजिए, और अगर आपने आईबीपीएस एफओ का कोर्स ले रखा है कहीं का किसी का भी ले रखा है तो आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कोर्स मत लीजिए, अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए, दोनों सेम ही मिलेगा। कोई आपको अगर अलग से कोर्स दे भी रहा है ना और आईबीपीएस एफओ भी आपने लिया हुआ है तो मत लीजिए, क्योंकि वही कंटेंट आपको उसके अंदर भी मिलने वाला है और इतने कम प्राइस में, इतनी कम फी में हम आपको ऑफर कर रहे हैं, क्लियर है। और हम बात करते हैं हमारे कुछ अपकमिंग कोर्सेज हैं, ये हम लगभग अक्टूबर 1st वीक में हम रिलीज करेंगे, ठीक है। पीजी, प्री पीजी या मास्टर एंट्रेंस कोर्स हम रिलीज करने वाले हैं, जैसे अभी बीएचयू की हम बात करेंगे, और भी पीपीजी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पीपीजी लेती है ना, यूपी में होता है, राजस्थान में होता है, एमपी में होता है, हर स्टेट के अंदर होता है। कोर्स भी अभी हम एक्सपेक्टेड है कि 499 और 999 के अंदर ही हम इसको रखेंगे। जो एमपी के बच्चे हैं, आरईओ, एसईडीओ, आरएचईओ, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनकी भी प्राइस हम लगभग 499 के आसपास ही रखेंगे, 1 ईयर वैलिडिटी रखेंगे इसकी। और सारी चीजें, हर एक कोर्स में अलग अलग सिलेबस होगा, सिलेबस के हिसाब से कोर्स डिजाइन करेंगे, सारी चीजें आपको देंगे, डेमो भी देंगे। और जीआरएफ सोशल साइंस, मतलब स्पेशली जो जीआरएफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और जीआरएफ एक्सटेंशन की प्रिपरेशन, ये काफी डिमांडेड कोर्स है, इस कोर्स के लिए मेरे पास काफी कोर्स आते हैं, तो ये कोर्स भी हम रिलीज करेंगे अक्टूबर मंथ में,
प्राइस हमारी लगभग 799 के अराउंड रहेगी, वन ईयर की वैलिडिटी रहेगी। सारी चीज हम इसमें देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, वीडियो लेक्चर देंगे, पीडीएफ नोट्स देंगे, सारी देंगे। और अभी हाल फिलहाल में एचपीएससी एडीओ का जो वैकेंसी रिलीज हुआ है उसका सिलेबस आने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि कोर्स दें या नहीं। अगर कोर्स देते हैं तो प्राइस ये रहेगी, नहीं देते हैं तो कोई बात ही नहीं। तो ये तो कोर्स के बारे में हमारे अपकमिंग कोर्स वाले इंफॉर्मेशन हो गए। तो यहां पे अब मैं बात करूंगा आपके बीएचयू एग्जाम शेड्यूल की, ठीक है। ये कल आपका बीएचयू एग्जाम शेड्यूल रिलीज हुआ है। कब हुआ है? कल आपका ये शेड्यूल रिलीज हुआ है, पब्लिक नोटिस। क्या लिखा है? शेड्यूल फॉर एंट्रेंस एग्जाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 2021। अब यहां पे देखो, ये एग्जाम कौन ले रहा है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को ले रही है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब कि यूजी के लिए भी और पीजी के लिए, मतलब बीएससी और एमएससी दोनों के लिए प्रोग्राम ये कंडक्ट हो रहा है। सेशन किसके लिए? 21-22 के लिए कंडक्ट हो रहा है। डेट क्या है? एग्जाम डेट 28 से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर, ठीक है। यहां पे बीच में हॉलीडे, इसलिए एग्जाम नहीं होगी। तो 1 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को एग्जाम होगी, 28, 29 और 30 सितंबर। तो 3 और 3, 6 डेज आपकी एग्जाम चलेगी। एग्जाम आपकी कंप्यूटर बेस्ड हो सकती है, हाइब्रिड टेबलेट बेस्ड या पेन पेपर ओएमआर सीट बेस्ड होगी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कोर्सेस हैं जिनकी एग्जाम ओएमआर बेस्ड पे होगी, मतलब ऑफलाइन होगी मे बी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं और, ठीक है। शेड्यूल पे आ जाते हैं, आपके एडमिट कार्ड के बारे में देख लीजिए क्या क्या एडमिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डाउनलोड द एडमिट कार्ड वी विल डिस्प्ले ऑन एनटीए वेबसाइट। तो आपको जो है नोटिफिकेशन कहां मिलेगा? एनटीए की वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसको फ्रिक्वेंटली आप चेक करते रहना, आपके एडमिट कार्ड जिन्होंने बच्चों ने भी फॉर्म डाला है, ठीक है। देखिए ये एनी अपडेट या कुछ भी आपको देगा तो वो एनटीए वेबसाइट पर ही आएगा। कोई भी आपकी क्वेरी है, क्लेरिफिकेशन है, तो आप यहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और इस नंबर पे आप डायल कर सकते हो, क्लियर। अब आगे आ जाते हैं हमारे डेट पे, क्या क्या डेट है। मैं सारे कोर्सेज की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एग्रीकल्चर कोर्सेज की बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए एमएससी एग्रीकल्चर जो है इसका आप कोर्स कोड देखोगे तो 340, टेस्ट कोड भी क्या है 340 और डे वन शिफ्ट वन, मतलब एग्जाम स्टार्ट हो रही है 28 से 28 सितंबर से आपकी एग्जाम हो रही है। तो डे वन शिफ्ट वन, पहले ही दिन पहली शिफ्ट में एमएससी की एग्जाम है और मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है, मतलब वही फर्स्ट शिफ्ट मतलब मॉर्निंग शिफ्ट 8 से 10 में आपकी एग्जाम होगी और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। तो यहां पे सारी चीजें आपको याद भी रखना है कि आपका कोर्स का कोड क्या है 340, आपका टेस्ट कोड क्या है 340, एमएससी जी डे वन शिफ्ट वन, एग्जाम आपकी 28 को होने वाली है, 8 से 10 के बीच में होने वाली है। तो आप 6 बजे 7 बजे के आसपास पहुंच जाइए, 1 घंटे 1.5 घंटे पहले मेरे हिसाब से, तो एक दिन पहले ही सेंटर पे पहुंच जाइए और नियर सेंटर के नियर बाय आप कहीं पे स्टेइंग का देख लीजिए, होटल लॉज वगैरह। क्यों? क्योंकि बारिश का टाइम है, रेनी सीजन है, कुछ अनएक्सपेक्टेड है, कब क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। हैवी रेनफॉल हो गया, आप नहीं पहुंच पाए तो देन वन ईयर खराब करना मतलब फ्यूचर खराब करने वाली बात है। तो आप पहले से अपना अरेंजमेंट करके रखें सारी चीज का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजी के लिए और एमएससी में और भी सारे और भी कोर्सेस हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको। ओके, नेक्स्ट ये नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे एमबीए एग्री बिजनेस, ठीक है। एमबीए हो रहा है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से, जो बच्चे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए जो यहाँ पे कोर्स कोड है 381 और सब टेस्ट कोड है वो अलग अलग है, आई डोंट नो किस बेसिस पे अलग अलग है। तो आप वहां पे एग्जाम में अगर आप ऑप्शन आता है टेस्ट कोड फिल करने का तो वहां पे जो इंडिविजुअल लेटर है उनसे कंफर्म करके भरिएगा। और ये आपका 29 को होने वाला है एग्जाम, कब होगा 29 सितंबर को ये आपका एग्जाम है और सेकेंड शिफ्ट में है, सेकेंड शिफ्ट 28 एग्जाम हो रही है तो सेकेंड डे 29 होगा और सेकेंड शिफ्ट मतलब दिन में आपकी एग्जाम होगी 12:30 से 2:30 बजे तक। ये भी कंप्यूटर बेस्ड आपकी एग्जाम होने वाली है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एक और आएगा मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, वो भी कोर्स है ये मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। जो बच्चा एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से मास्टर करना चाहते हैं, मास्टर वो एमबीए था, मास्टर ऑफ बैचलर आर्ट जो भी था। अब यहां पे टेस्ट कोड आपका क्या है 352, कोर्स कोड क्या है 352, मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस कोर्स है। डे थर्ड तीसरे दिन मतलब 30 तारीख को पहली शिफ्ट में एग्जाम होने वाली है, 30 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, क्लियर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सोइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग
ये भी कोर्सेस वहां पे चलता है, उसका कोर्स कोड है 355, टेस्ट कोड है 355, कोर्सेस है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मतलब सोइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। ये भी डे थ्री तीसरे दिन मतलब 30 तारीख को पहली शिफ्ट के अंदर होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो कोर्स है वो क्या है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये प्लांट एमएससी इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, उसका सब्जेक्ट कोड है 356, टेस्ट कोड भी 356 है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से जो बच्चे एमएससी इंट्रेंस देना चाहते हैं उनकी एग्जाम थर्ड डे डे थ्री और शिफ्ट टू मतलब 30 तारीख को दिन में आपकी एग्जाम होने वाली है 12:30 से 2:30 बजे के आसपास। तो आप अपना अरेंजमेंट करके रखे, पहले से ही पूछिए जहां भी जैसे भी आपका अरेंजमेंट है, एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीजें प्रॉपर तैयार होके ही जाना है आपको। मैदान में उतरने से पहले अपने हथियार पूरी तरीके से तैयार रखें। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये सब अभी हम एमएपीजी पे चल रहे हैं, ठीक है, अभी बीएससी यूजी पे नहीं आए हैं कि आपकी यूजी। एनवायरमेंटल साइंस भी कुछ बच्चे देते हैं, है ना, एग्रीकल्चर वाले कुछ बच्चे एनवायरमेंटल साइंस से भी करते हैं, तो उसका कोर्स कोड 713 है, टेस्ट कोड भी 713 है, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, इसके अंदर कई सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये भी तीसरे दिन होने वाला हो, तीसरी शिफ्ट में मतलब 30 तारीख को ये 5 बजे से लेकर 7 बजे होने वाली एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। कुछ ऐसी एग्जाम है जिनमें आपको आपको नहीं मतलब कुछ और भी ऐसे कोर्सेज है, सब्जेक्ट है जिसमें ओएमआर बेसिस पे वो होने वाली है। क्लियर है, लेकिन आप लोगों की सारी एग्जाम तो कंप्यूटर बेस्ड ही है। फिर देन फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट है, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट से अगर कोई करना चाहता है तो ऑलमोस्ट एग्री बिजनेस वाला भी है, तो ये मुझे नहीं लगता एग्रीकल्चर वाले कोई इस फील्ड पे जाता होगा, बट फिर भी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ओके, और कोई एमएससी, यस यहां पे आप देखिए एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, कई सारे बच्चे हैं जो फूड टेक से एमएससी करते हैं, तो उनका जो कोर्स कोड है 354 है, सब्जेक्ट कोड 354 है, और एमएससी एमटेक फूड टेक्नोलॉजी, ये आपका डे फाइव मतलब 3 अक्टूबर को आपकी एग्जाम होगी ये, और सेकेंड शिफ्ट होने वाली है, 3 अक्टूबर को फूड टेक वालों की एग्जाम होने वाली है। देन अगर मैं यूजी की बात करूं, है ना, बीएससी एग्रीकल्चर की बात करूं, तो उनका जो कोर्स कोड है वो 135 है, टेस्ट कोड 135 है बीएससी एजी वालों का, बीएससी एजी उनका भी एग्जाम जो है डे फाइव शिफ्ट थ्री में होने वाला है, मतलब 3 अक्टूबर को ये एग्जाम होने वाला है 5 से 7 के बीच में, और ये ओएमआर बेस्ड होने वाला है। समझ में आ रहा है, ओएमआर बेस्ड का मतलब क्या है, ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा कि आप कंप्यूटर पे बैठोगे और ऑनलाइन एग्जाम होगी, ये ओएमआर बेस्ड मतलब आपको यहाँ पे ओएमआर सीट भरनी है। अब कैसे भरनी है वो तो एग्जाम आपको जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। क्लियर है, तो ये ओएमआर बेस्ड होने वाला है बीएससी एग्रीकल्चर का। आपका जो यूजी एग्जाम है, जो बच्चे 12th के बाद बीएससी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए है, तो वो जो ओएमआर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे होंगे, है ना, जो यूजी से पीजी 12th के बाद यूजी करना चाहेंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा, तो मुझे लगता है हर एक स्टेट के अंदर वहां पे एक सेंटर दिया जाएगा जहां पर ऑफलाइन एग्जाम आपकी होने वाली, मे बी एमपी के अंदर इंदौर या भोपाल हो। क्लियर है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट यहाँ पे होगा। एमएससी एनवायरमेंटल साइंस फिर से आया है यहाँ पे, ठीक है, ये देख लेना आप। और इसके अलावा डेयरी टेक्नोलॉजी है एंड फूड टेक्नोलॉजी बीटेक, है ना, यूजी की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे यूजी फूड टेक्नोलॉजी से हो रही है, कोर्स 192 है। यूजी अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं बीटेक, तो वो भी है, ये आपका होने वाला है डे 6 मतलब लास्ट दिन होने वाला है 4 अक्टूबर को, और इवनिंग वाली शिफ्ट में होने वाला है। क्लियर है, तो ये ऑल अबाउट हमारा जितना भी एग्रीकल्चर कोर्सेस है, कब एग्जाम होने वाली, क्या है, सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट आपके ने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बट आप ये सारी चीजें पहले से प्रिपेयर करके रखें, अपने हथियार सारे तैयार करके रखें, और प्रिपरेशन आपकी ऑलमोस्ट हो चुकी होगी। हम आपके लिए 1 वीक का एक क्वेश्चन आंसर सेशन अभी करने वाले हैं कल से, तो लगभग जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट या गोल्डन क्वेश्चंस कह सकते हैं बीएसयू एग्जाम्स के लिए, तो वो हम आपके लिए एक सेशन रखेंगे, वो आपको हम देंगे। क्लियर है, तो इतना ही था आज की क्लास में, थैंक यू वेरी मच।